असला नाजरीन मुनीप भट्ट जो के मशहूर अदाकारा ऐमन खान के शोहर है जी हाँ वही ऐमन खान जिनकी मिनाल खान जुड़वा बहन है और शादी के बाद मुनीप भट्ट ने उनको तो एक्टिंग करने से मना कर दिया लेकिन खुद नए ड्रामास में काम कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि मुनीप भट्ट के कौन कौन से ड्रामाजनियर हुए हैं तो वीडियो शुरू करने ऐसी पहले आप ऐसी दरख्वास्त के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत ये न थी हमारी किस्मत में मुनीत भट्ट ने रोल प्ले किया था ड्रामा सीरियल ये न थी हमारी किस्मत एक ब्लॉकबस्टर सीरियल है सैयद अली रजा उसामा की हिदायतकारी में बनने वाले इस ड्रामे को सिक्स सिग्मा प्लस प्रोडक्शन और नेक्स्ट लेवल इंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया था जिसकी हिदायत सैयद अली रजा उसामा ने दी थी ये न थी हमारी किस्मत की ड्रामा निकार सीमा मुनाफ है ड्रामा ये न थी हमारी किस्मत में मुनीब मुनिब हिरामानी नूर हसन और आयजा अवान ने अदाकारी की ये उन दो बहनों की कहानी है जिनके एक ही घर में गैर मुतवके तौर पर शादी हो जाती है और उनको दरपेश मुश्किल को बहुत ही सादा वे में दिखाया गया है मुंतहा बड़ी बहन एक अच्छी तालीम याफ्ता लड़की होती है एक अमीर आदमी से शादी करने के बाद अलिशा छोटी बहन का हर मोड़ पर बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और हमेशा आसान जिंदगी की ख्वाहिश रखती है लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे कांटे उग आते हैं जो उनके लिए मुश्किल खड़ी करते हैं ड्रामा सीरियल यारिया यारिया में मुनीप बट ने उमेर का रोल प्ले किया था यारिया 2019 का पाकिस्तानी ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जिसे इरम बिनते शाहिद ने उनके प्रोडक्शन बेंस ड्रामे पास इंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया था इसमें आयजा खान मुनीब बट मोमल शेख और जुनीद खान मरकजी किरदारों में हैं, जबकि महमूद असलम और हिना ख्वाजा बयान दूसरे किरदारों में है ये ड्रामा एशियन ब्यूटिशन आयजा खान और मोमल की वजह से बैरून मुल्क बहुत मशहूर हुआ है सादिया और जुबिया बहने होती हैं। सादिया की शादी अहमद से हुई है लेकिन उसकी रुख्सती नहीं हुई दूसरी तरफ जुबिया का उमेर के साथ अफेयर चल रहा है एक दिन जुबिया अपनी डेट को घर बुलाती है एक हादसा होता है सूबिया हादसे में हादसाती तौर पर जख्मी हो जाती है और कोमा में चली जाती है सादिया सबको बताती है कि उमैर सूबिया से मिलने आया था लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता जब जुबिया कोमा से बेदार होती है तो सादिया उसे अहमर और उसके वालदेन के सामने सच बताने की इल्तिजा करती है लेकिन जुबिया झूठ बोलती है और दावा करती है की सादिया का उमेर के साथ अफेयर है गुस्से के आलम में अहमर सादिया को फौरन तलाक दे देता है ड्रामा सीरियल सिलसिले सिलसिले में मुनी भट्ट ने शाहब का रोल प्ले किया था ड्रामा सीरियल सिलसिले में हिबा ने हिरा का रोल प्ले किया है इस ड्रामे में दो बहनों अबीहा और हिरा की जिंदगी को दिखाया गया है अबीहा यानी मोमल शेख और शाहजेब यानी मुनीब बट बचपन के दोस्त और पड़ोसी हैं। लेकिन अबीहा यानी मोमल शेख शाहेब यानी मुनीब बट के साथ एक तरफा मोहब्बत करती है ताहम शाहजेब रूही यानी मरियम नूर से प्यार करता है दूसरी कहानी हिरा यानी हिबा बुखारी की है जो अपनी कजन जवाद यानी जुनीद खान से प्यार करती है ताहम जवाद ने उजाला यानी सारा भट्टी ऐसी शादी करने का फैसला किया वो हिरा और अबीहा की जिंदगी में खलल डाल रही है वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती है हीरा ने उजाला की वजह से अपने खानदान को छोड़ने का फैसला किया लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके घर वाले और वालदा ठीक है और अपने घर वापस आ गई बाद में जब बात को एहसास हुआ कि उजाला उसके लिए सही या परफेक्ट नहीं है और उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया उसे एहसास होता है कि हीरा उससे मोहब्बत करती है और उसने उससे शादी करने का फैसला किया ड्रामा सीरियल कोई चांद रख कोई चांद रख में मुनी ने उमेर का रोल प्ले किया था डॉक्टर राबेल यानी आयसा खान एक ख्याल रखने वाली नौजवान औरत है जिसके वाले का इंतकाल उस वक्त हो गया जब वो पाँच साल की थी उनके परवरिश उसके मामू असद न्याजी और उनकी अहलिया नफीसा ने की असद और नफीसा की एक बेटी और उनके अपने इंशाल यानी अरीबा हबीब और उमर यानी मुनीब भट्ट का एक बेटा है राबेल उमेर से बहुत बड़ी होने की वजह से हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती थी लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उमैर को उसके लिए जज्बात पैदा हो गए हैं। जब वो अपने जज्बात जाहिर करता है तो राबेल खौफ जदा हो जाती है क्योंकि उसने उसे हमेशा एक छोटे भाई के तौर पर देखा था नफीसा ने गुप्तगो को सुना और फैसला किया की कि बेहतरीन हल यही है की राबेल की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए ड्रामा सीरियल बांदी बांदी में मुनीब भट्ट ने वली का रोल प्ले किया था सिंध के देही इलाकों के पसे मंजर में बनने वाली बांदी एक गरीब किसान मीरू की बेटी के गिरद घूमती है जिसके वालदे ने उसे एक बदमाश जमींदार से बचाने की कोशिश में एक औरत की मदद से एक अमीर घर आने के लिए नौकरानी के तौर पर रखा था उनके गांव में चूँकि उसका बाप जमींदार का मकरूज है मीरू की जिंदगी में उस वक्त एक मोड़ आता है जब मालिक का बेटा वली अली खान चूँकि एक पुलिस वाला है उससे प्यार कर बैठता है ड्रामा सीरियल करार करार में मुनी पट ने अम्मार का रोल प्ले किया था अपनी खूबसूरती पर मगरूर माया किसी अमीर और खूबसूरत लड़के से शादी करना चाहती है माया की मुलाकात अपने कॉलेज के प्यारे लड़के सलमान से होती है जबकि अम्मार माया की खूबसूरती से मुतासिर होता है अम्मार ने फौरी तौर पर माया के लिए प्रपोजल भेजा और उसने पहले तो उसे इनकार कर दिया और इनकार की इतला दोस्त फरीहा के जरिए अम्मार को दी गयी अपने साबिक क्लास पहले सलमान के साथ रब्ते में रहने के साथ साथ माया बाद में अम्मार के साथ शादी के लिए रजामंद हो जाती है क्योंकि उसको सलमान की शादी का पता चलता है और वो महज बदले के लिए रजामंद होती है ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा कैसा है नसीबा में मुनी भट्ट ने अहमद का रोल प्ले किया था ड्रामे की कहानी में घरेलू तशद को मोसू बनाते हुए दिखाया गया है उन लड़कियों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जो दूसरे मुल्क में रहने वाली शख्सियत के साथ शादी करती है कैसा है नसीबा में रिमशा खान को एक ऐसी मासूम लड़की के तौर पर दिखाया गया जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ सादगी और मासूमियत लिए खेलते हुए उन चीजों को काम में लाने की कोशिश कर रही है जिसे उसके बदसलूक शोहर यानी मुनीब पट्ट और जालिम सास यानी उजमा गिलानी ने आँख में फेंक दिया है मुनीब पट्ट का शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने बहुत कम वक्त में टेलीविजन पर अपने काम की वजह से शोहरत हासिल की ड्रामा सीरियल मुझे विदाकर इस ड्रामे में मुनि पट्ट ने उस्मान का रोल प्ले किया था ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह घरेलू तशद्द एक नौजवान लड़की की जिंदगी को तबाह कर सकता है मेन रोल रिदा का है जो ऐसे खानदान में शादी की ख्वाहिशमंद है जो बैरून मुल्क मुकीम है ये वो ख्वाब है जो वो हमेशा से देखती आई उसे बहुत तवील सफर करना होता है और यहाँ से कहानी का आगाज होता है पूरी कहानी रिदा के अपने ससुराल से मुकाबले पर मपनी है किस तरह एक लड़की किसी और के साथ बसने के लिए अपना घर छोड़ती है और किस तरह ये सफर आगे बढ़ता है उसका जज्बाती होता है और दिखाया गया है कि एक खानदान में जहनी सेहत का तस्वुर काम करता है आपको या तो उससे बाहर निकलना होता है या हार मानकर उस शैतानी चक्कर में अपनी जिंदगी गुजारना होती है ड्रामा सीरियल बदुआ बदुआ में मुनीप भट्ट ने का रोल प्ले किया था उनके मुकाबिल अमर खान है बहुत ताकतवर किरदार है कहानी दिलचस्प है जिसमें बहुत ज्यादा नशेबराज है मुनीब का किरदार भी जमीना इजाज की तहरीर किरदारों से बिल्कुल मुख्तफ है ये दो मरकजी किरदारों के दरमियान बहुत दिलचस्प कहानी है जो दोनों ही मजबूत शख्सियात के मालिक है और उनके अपने उसूल और मफादात है ड्रामे के इब्तदाई एक मुनीप पट्ट को बज़ाहिर मनफी किरदार में दिखाया गया है लेकिन मुनीप ने बताया की कुछ मजीद इकसात के बाद उनका किरदार खुलकर सामने आया है मुनिपट्ट कहते हैं कि एक तो होता है कि बिल्कुल ही मनफी किरदार दिखाया जाता है और एक बिल्कुल मजबत दिखाया जाता है ड्रामा बद को अभी देखने वालों को लगेगा कि मेरे किरदार थोड़ा फ्लर्टी और प्ले बॉय जैसा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस किरदार के बहुत से रंग सामने आने वाले है ड्रामा सीरियल कलंदर कलंदर में मुनिपट्ट ने तबरेज का रोल प्ले किया था कलंदर एक लड़की के अपने खुदा और उसके फैसलों पर पुख्ता यकीन की कहानी है जबकि बाकी दुनिया उसे चोट पहुंचाती, बदनाम करती और चैलेंज करती रहती है दूर अदन एक नौजवान और मासूम लड़की है जो अपने चचा और खाला की देखभाल में परवान चढ़ी है कम उम्र में यतीम होने के बावजूद दूर अदन को अपने चैलेंजों और मुश्किल के बारे में कोई शिकायत नहीं है उसके बरस तबरीज एक खूबसूरत नौजवान है जो जिंदगी में अहम चीजें हासिल करने की ख्वाहिश रखता है उसी मोहल्ले में रहते हुए तबरीज के वालदेन ने दूरदन को जीवन साथी के तौर पर उसके लिए मौजू पाया ताहम तबरीज की जिंदगी में एक हैरान कुलमोड़ आता है जब एक अमीर घराने ऐसी ताल्लुक रखने वाली सुंबुल उससे प्यार करती है अपने मुस्कबल को माली तौर पर महफूज बनाने की कोशिशों में तबरीज उस तोहफे को भूल जाता है जो उसे दुनिया और आखिरत के लिए उस लड़की की सूरत में दिया गया था जल्द ही तब्रीज की नींद दिली और मजाक वफादारियाँ लालच की सूरत में उसके और उस लड़की के साथ ताल्लुक में झलकने लगती है तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो की पर ड्रामाज पर मबनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज